पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर जनाब मोहसिन बारी, जनरल सेक्रेटरी अजहर बडालवी, नायब सदर रियाज कोहमरी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी उमर मेमन, जबकि पीपल्स पार्टी बरतानिया के इंसानी हकूक के सदर ख्वाजा मुईनुद्दीन सैयद, ग्रेटर लंदन के सदर मियाँ सलीम, नायब सदर असद नवाज खान, जबकि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फखर इमरान, जनरल सेक्रेटरी राजा इफ्तिखार, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी नदीम मेवावाला, लेबर विंग के सदर हफीज बलोच, राबता सेक्रेटरी सरवर रांझा और जनाब वहीद इकबाल ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में इंशाल्लाह शानदार कामयाबी हासिल करेगी। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने जिस जोशो खरोश और जज्बे के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शानदार इस्तकबाल किया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया, इससे ये बात साबित है कि आज भी मुल्क के कोने कोने में भुट्टो और पीपल्स पार्टी के मतवाले और चाहने वाले मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी बरतानिया का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में आवाम से जो भी वादे किए उसे न सिर्फ पूरा किया बल्कि इन्हें कानूनी तहफ्फुज भी फराहम किया ताकि उनके बाद आने वाली हुकूमत में उनका तसलसल बरकरार रहे। उसकी एक मिसाल पाक चाइना कॉरिडोर मंसूबा है जिसे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी हुकूमत में साइन किया और जो आज भी जारी है। पीपल्स पार्टी वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी समिया अली, मोहतरमा शमीम भुट्टो व दीगर खवातीन ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में वुमेन विंग से खुसूसी तौर पर खिताब किया बल्कि तांगीर जैसे पसमानदा इलाके से जहां से खवातीन का वोट देने का तस्वुर ही नहीं है, वहां से सादिया दानिश को उम्मीदवार नामजद करके न सिर्फ खवातीन की हौसला अफजाई की बल्कि ये भी साबित किया कि आज भी वो बीबी शहीद के फलसफे पर कारबंद हैं। पीपल्स पार्टी इस बात पर यकीन रखती है कि पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी में खवातीन का किरदार भी उतना ही अहम है। नोमान कियानी, C110 न्यूज, कराची। C110 न्यूज, खबर की असल खबर।